वो क्रिसमस की सुबह थी और खूब सारे उपहार क्रिसमस ट्री के आसपास पड़े थे। बच्चों ने अपने अपने उपहार उठाए और बहुत उत्सुकता से खोलने लगे। मुझे एक पेंटिंग सेट मिला और एक खिलौना भी, ज़ायरा बहुत खुशी से बोली। मुझे एक बास्केटबॉल और वीडियो गेम मिला, जैज़ी ने कहा। बच्चे खेल रहे थे कि जैज़ी ने ज़ायरा से पूछा, ज़ायरा क्या मैं तुम्हारे पेंटिंग सेट के साथ खेल सकता हूँ? मुझे क्रिसमस का एक चित्र बनाना है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा तोहफा है, तुम अपना लेकर आओ, ज़ायरा ने कहा। कुछ देर बाद जैज़ी अपनी वीडियो गेम से खेलकर उब गया। तभी उसने ज़ायरा से पूछा, क्या तुम्हारे खिलौने से खेल सकता हूँ मैं? नहीं, तुम्हें ये नहीं मिल सकता, ज़ायरा बोली। जैज़ी बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। उनके पिता यह सब वहीं बैठ के देख रहे थे और वह ज़ायरा के पास आकर बैठ गए। ज़ायरा, मैंने देखा कि तुम अपने भाई के साथ मिल बांटकर नहीं खेल रही थी। क्रिसमस का मतलब ही सबके साथ मिल बांटकर खुशी से रहना है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई के साथ प्यार से रहना चाहिए, पिता ने कहा। ज़ायरा ने अपनी पिता की बातों पर गौर किया और वह अपने भाई को खुश करना चाहती थी। कुछ समय बाद दादी जी कमरे में दो बड़े चॉकलेट बिस्कुट लेकर आई, एक ज़ायरा के लिए और दूसरा जैज़ी के लिए। जैज़ी वो बिस्किट खाने लगा ही था कि वो जमीन पर गिर गया और चूर चूर हो गया। ज़ायरा ने झट अपने बिस्किट को बीच में से तोड़ा और आधा हिस्सा जैज़ी को दे दिया। बुरा मत मानो जैज़ी, तुम ये आधा बिस्किट खा सकते हो, जैज़ी को आश्चर्य हुआ। अरे, तुम मुझे क्यों अपना बिस्किट दे रही हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने खिलौने पहले खेलने के लिए नहीं दिए। मैंने आज सीखा कि क्योंकि आज क्रिसमस है, मैं खुश रहना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ खेलो, ज़ायरा ने कहा। शुक्रिया ज़ायरा, तुम कितनी दयालु हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैज़ी खुश होकर बोला। उस रात बच्चों ने अपने खिलौनों से मिल बांटकर साथ में खुशी से खेला।